उमा जी, आज धरने का 117वां दिन हो गया है और आपकी परीक्षा नियामक बोर्ड की जो है डायरेक्टर डॉक्टर सुत्ता सिंह भी हटाई जा चुकी हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है? अपने धरने के बारे में बताइए और उनके बारे में बताइए। मैं उमा देवी कानपुर नगर से। धरने का आज 118वां दिन है और अनवरत धरना मैं बैठी हुई हूँ। कई उतार चढ़ाव आए, प्राकृतिक यानी ईश्वरीय मार, मौसम की मार, धूप गर्मी बरसात सहते हुए और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते 118 दिन ऐसे जगह पे पहुंचाया है कि इन बीच में कई ऐसे मोड़ आए जहां अफसरों से सामना हुआ, हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, मात्र 101 ब्राह्मण भाई जनेऊ उतारे और सुहागिन बहनों ने केस का परित्याग किया। इसके कारण जो 172,000 परिवार भुखमरी के कगार पे था, एक ऐसा अवसर दिखाई दिया जैसे लगा कि अब हाई पावर कमेटी मात्र चंद दिनों में निर्णय ले करके 172,000 परिवार को आजीविका का वरदान दे करके बहाल कर देगी, परंतु समय बदलता गया, बातें मात्र बातें रह गईं, कमेटी मात्र कमेटी रह गई और आगे बढ़ते बढ़ते स्थिति वो भयानक आ गई जिस स्थिति में आज गवर्नमेंट के अंदर इतनी हलचल मची हुई है कि एक ईमानदार अफसर को निलंबित किया जा रहा है। ये विडंबना की बात है, वेदना की बात है, कष्ट की बात है और मैं तो अपने संत महात्मा मुखिया जी से मांग करूंगी कि आप निरपेक्ष हैं, महात्मा हैं आप, आपको आज भी लोग निरपेक्ष निगाहों से देखते हैं, आप निरपेक्षता को अपने रखते हुए उस बहन को तुरंत बहाल करिए और उनके पदों पे आसीन करिए, क्योंकि आप बेदाग अफसरों का परिमाप रखिए, क्योंकि बेदाग अफसर ही आपको बचा पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे की जो कहानी चल रही है शायद यह अच्छी नहीं है, उसका मूल्यांकन। उमा जी, डॉक्टर सुत्ता सिंह परीक्षा नियामक अधिकारी प्राधिकारी जो अभी सस्पेंड कर दी गई हैं, आपके अनुसार एक वो ईमानदार अधिकारी हैं, आप उनका कैसे समर्थन करेंगे, कैसे बचाव करेंगे? कैसे बचाव करूंगा मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास बहुत छोटे से आंसर में है। मैं एक महिला हूँ, एक नारी हूँ, भारत की बेटी हूँ। अगर भारत की बेटियों पे, भारत के नारियों पे अगर जुर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हर बहनें निकल के बाहर नहीं आएंगी तो शोषण शुरू है, होता रहेगा। शोषण के खिलाफ जब से उठे आवाज, जहां से उठे आवाज, यही है एक अच्छे भारत का इतिहास। अच्छे भारत का इतिहास ये नहीं कि दूसरे को बेवकूफ बनाओ, ईमानदारी की लड़ाई लड़ो। मेरा भारत सबसे अग्रणी रहा है और हमें उम्मीद है कि अगर हम जैसे बहन बेटियां जग जाएंगी, अग्रणी पुनः होगा, इसमें दो राय नहीं। आप कैसे समर्थन करेंगे, उनका बचाव कैसे करेंगी? मैं अभी तो आपके माध्यम से गुहार लगा रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये मीडिया के माध्यम से न्यूज नहीं पहुंच रही है सीएम साहब तक या उनके जितने अफसर हैं उनके तक या उनके जितने मंत्री हैं उनके तक, या एक मिशन और दे दीजिए उनके जो आला कमांड बैठे हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय, आप प्रधानमंत्री महोदय, उसके बाद बैठे हुए हैं आपके जो बीजेपी के दिग्गज कहे जाते हैं अमित शाह जी।